बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में हैं। सिंधिया अपने गढ़ में जमकर दहाड़ रहे हैं। रविवार को भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। सिंधिया ने सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की, लेकिन इसके साथ सिंधिया ने ये भी बताया कि उन्होंने क्यों कांग्रेस छोड़ी, क्यों कमलनाथ की सरकार गिराई। सुनिए, आप भी सुनिए। शिवराज सिंह जी ने एक लंबी लकीर खींची थी अपने 13 साल के कार्यकाल, विकास की, प्रगति की, संवेदनशीलता की, किसानों के बीच में, नौजवानों के बीच में, महिलाओं के बीच में। मैंने सोचा था, मेरी आशा था, अभिलाषा थी कि एक लंबी लकीर, उससे भी लंबी विकास की, प्रगति की हम खींचेंगे। उससे लंबी लकीर विकास प्रगति की तो नहीं खींची, लेकिन भ्रष्टाचार की उससे दो गुना ज्यादा लंबी लकीर खींच के छोड़ दी। कौन कमलनाथ की सरकार को भ्रष्टाचारी बताया और कहा कि पूर्व की कमलनाथ सरकार ने ग्वालियर चंबल संभाग के लिए विकास के लिए कहा तो कमलनाथ ने साफ मना कर दिया। एक तरफ 15 माह की भ्रष्टाचारी सरकार, दूसरे तरफ 5 महीने की कल्याणकारी शिवराज सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
निकलते हुए राजस्थान के बॉर्डर तक फोर लेन का हाईवे 8,500 करोड़ का औद्योगिकरण का दरवाजा खोल के आते हैं। अब केवल मालौर नहीं, केवल मालनपुर नहीं, ये पूरा पट्टी औद्योगिक कॉरिडोर बनाकर नरेंद्र सिंह जी और हम साथ में मिलकर शिवराज सिंह जी और गडकरी जी के साथ औद्योगिक कॉरिडोर बना के आपके लिए खोलेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पर आक्रामक रुख में दिख रहे हैं। ग्वालियर चंबल संभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ कहलाता है। यहां उपचुनाव में 16 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसा माना जा रहा है कि यहां से जीत एमपी की सरकार का भी फैसला करेगी। वैसे उपचुनाव 27 सीटों पर होना है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस पार्टियां ग्वालियर चंबल संभाग की सीटों पर ही कर रही हैं। ग्वालियर से सर्वेंश पुरोहित की रिपोर्ट।